Good morning, students. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, morning, sir. Okay. Good morning, sir. Yes, 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 yes. Welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School in collaboration with Vidya Mandir Classes. We had already started a chapter reproduction in organism. Let's proceed with the chapter. Okay. We have to talk in today's lecture phases of life cycle. Okay. Am I audible to every one of you? Like very much clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो फेजेस इन लाइफ साइकिल को लेके बात चल रही थी कल वाले लेक्चर में आज यही से हम लोग फिर से थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे थ्री फेजेस फेज तो जोनाइल फेज हम लोग वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए वेजिटेटिव फेज जो वर्ड है हम लोग ये यूज करते हैं प्लांट्स के लिए ओके इन सी

एंड इवन ध्यान रखना यहाँ पे कि आपको प्लांट्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड द पॉलीकार्पिक प्लांट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है हमेशा बच्चों को ओके अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी यर मोनेशियस डायशियस ऑल दो बायसेक्शुअल यूनिसेक्शल थिंग ओके साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो कि आपको स्टडी करने हैं कंपल्सरी हैं और इसी पार्ट को लेके लाइफ स्पैन को लेके आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है वो काफी अच्छे से रीड करनी है ओके इवन वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चंस इन आवर मॉड्यूल्स आल्सो तो आप लोग सॉल्व करो यू विल अंडरस्टैंड ओके जो भी है हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन सभी बात करेंगे ओके रेस्ट ऑफ द पार्ट नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्टिव फेज ओवर हियर जिसको मैच्योरिटी फेज कहते हैं द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूसप्रिंग्स ड्यूरिंग दिस फेज ओके रिपोडक्श रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल्ड एज अ प्यूबर्टी प्यूबर्टी वर्ड हम लोग फिर से एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है ओके अपियरेंस ऑफ फ्लावर

बहुत से कॉमन बातें हैं एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है इनके रिस्पेक्ट में अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके दीज प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ ओके ओनली वंस ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओके ओनली वंस इसलिए मोनोकार्पिक ओके नाउ ट एंड रेडिश दीज आर दिवन टू यू कुछ पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो की मोनोकार्पिक कह सकते हैं लेकिन खास करके ये दो तो एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस रखना क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर ओके okay? पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ मोनोकार्बिक प्लांट ओके जो कि वंस इन देयर लाइफ में फ्लावर करते हैं कुछ है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है फ्यू प्लांट शोस अनयूज़ुअल फ्लावरिंग बिहेवियर जैसे कि बैम्बू ये आपके एन में है जो कि ध्यान रखना है ओके okay? एक स्पीशीज देके रखा है बैम्बू का मैंने यहाँ पे बैम्बू स देख रहे हो ऊपर वाले एग्जाम्पल्स नीचे वाले एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर करो समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ओनली वंस इन दर लाइफ लाइफ ओके तो ये एक बार फ्लावरिंग करेंगे फ्रूटिंग करेंगे मर जाएंगे लेकिन यहाँ पे देखो इसका फ्लावरिंग सीजन कब चल रहा है जब ये ऑलमोस्ट फिफ्टी टू हंड्रेड ईय का हो जाता है तब ये फ्लावरिंग करता है बहुत सारी फ्लावरिंग करता है फ्रूटिंग करता है एंड देन दे विल डाई ओके दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इट प्रोड्यूस लार्ज फ्लावर एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स ओके ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लावर्स और बहुत ज्यादा फ्रूट्स उसके बाद दे विल डाई दीज आर द एग्जाम्पल्स ये राइस है ये वीट है फिर ये कैरेट एंड रेडिश के एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल्स आगे तरीके से देख लो ये आप लोग बड़े फैमिलियर हो इनके साथ ओके लैंथस को लेके बात करते हैं अगेन मोनोकार्पिक प्लांट ओनली ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल स्ट्रॉबरी अगेन इट इज देयर इन योर एनसीईआरटी जिसको नीला करंजी भी कहा जाता है ये फ्लावर करते हैं बारह साल में एक बार ओके

ओके okay? जैसे कि केरला कर्नाटका तमिलनाडु एक बात कॉमनली ध्यान रखो साउथ में है ओके okay? केरला कर्नाटका तमिलनाडु एंड दीज आर फॉर यू कैन से टूरिस्ट अट्रैक्शन ये क्या है हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो अभी फोटोग्राफ आया है ये किसका है कोई गेस्ट कर सकता है द फोटो विच अपेयर ऑन द स्क्रीन ये कौन है वेरी गुड बैंबू सा आप देख सकते हो काफी ज़्यादा पे फ्लावरिंग देखने मिल रहा है के ऊपर, okay? और फिर ये बहुत सारे वगैरह करते हैं. हैं तो तो उठाते बातों की. यानी बात उनकी पूरी दावत रहती है फिर, नेक्स्ट okay? ये रहा आपके स्क्रीन पे एक और फोटोग्राफ अब ये पहचानो ये क्या है और ये देख लो पूरा एरिया जो है उसने पर्पल टाइप का फ्लावरिंग कर लिया है पूरा एरिया खाली ऐसे ही दिखेगा पूरा ग्राउंड उस सीजन में आप लोगों को ओके लाइक आफ्टर एवरी इयर्स यू विल गेट टू सी सच सिनेरियोस ओवर देयर ओके इन सच प्लेसेस लाइक केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु ये उड़ गया अभी यहां से बात करते हैं पॉलीकार्पिक को लेके आप पॉलीकार्पिक का मतलब आप लोगों को बहुत कॉमनली पता है आप लोग खास करके ऐसे सीजन के लिए वेट करते हैं है ना यार अभी मैंगो का सीजन आएगा मैंगो खाने मिलेंगे एप्पल का सीजन आएगा ऑरेंज का आएगा ग्रेप वाइन का आएगा है ना नासिक के ग्रेप्स आएंगे मार्केट में ओके ऑल दिस मतलब ये आप लोग एक इनके सीजन का वेट करते हो ओके सो सी दीज प्लांट्स आर पेरीनियल एंड फ्लावर रिपीटेडली एट इंटरवल एवरी ईयर एवरी ईयर आप लोगों को उनका एक सीजन रहता है उस पीरियड में ये फ्लावरिंग करते हैं फ्रूटिंग करते हैं एंड देन दे गो ओके ज क्रेपाइन एग्जाम्पल एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है थ्रू okay? आउटरिंग करता है श्यू फ्लावर में भी है, काफी से flowering कर रहा है मेरे घर पर भी है आप लोगों ने देखा भी होगा काफी कॉमनली ग्रो करते हैं इसका कोई मुझे साइंटिफिक टर्म बताएगा क्या है इसका साइंटिफिक टर्म इन इंडिया चाइना रोज को क्या कहते हैं साइंटिफिकली बॉटनिकल टर्म इसका यार किसी को नहीं मालूम हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस नाम सुना था आप लोगों ने हेलो एम ऑडिबल टू एवरी वन यस हाँ तो अभी समझ में आया इसका नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है ओके okay. Yes. अरे हाँ बोलो यार तुम लोग एक बायोलॉजी के लेक्चर में बैठे हो एनर्जी yes, नहीं दिख yes, रही है क्या yes, हो सर मुझे yes, बार बार ट्रिगर करना sir, पड़ रहा है आ गया अभी आवाज आ गया ठीक है हाउ इज द जोश हाय सर नहीं हाय सर लगता नहीं है हाय सर करके ऐसा लग रहा है अभी नींद से उठे हो सीधा बायो के लेक्चर में आके बैठ गया हो है ना हाय सर ओके ठीक <laughs> है चलो वेरी गुड तो ये देख लो आपके स्क्रीन पे कुछ अभी यमी से फोटो आएंगे इंटरेस्टिंग से फोटो आएंगे एप्पल आ गया है मैंगो आ गया है ऑरेंज है ग्रेप वाइन भी आ चुके हैं तो ऐसे करके किसी कितने लोगों ने नासिक में सोला वाइन विजिट किया है सर मैंने किया है कैसे लगा वहाँ के वहाँ पे कुछ टेस्टिंग वगैरह करने मिला आपको नहीं सर सिर्फ ग्रेप्स खरीद के आ गए अच्छा ग्रेप्स खरीद के आ गए ओके मैंगो के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत लोगों के पास अपना खुद का फार्म होगा है कि नहीं एंड एप्पल तो यहाँ पे नहीं मिलते इवन द ऑरेंजेस ऑरेंजेस आपका हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट्स में ग्रो होते हुए दिख जाएंगे बट एक कॉमनली दे आर ग्रोइंग ओवर दैर ओके यू नीड टू विजिट दैट इन पूना तलेगांव करके एक प्लेस है वहाँ पे दे आर ग्रोइंग सच थिंग्स ओके हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है मैंने विजिट किया है देखा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा सा एरिया है एंड मैंने टेक्निक्स दे आर यूजिंग हार्टीकल्चर टेक्निक जो हम लोगों ने बोला था कि मैं एक पर्टिकुलर लाइक कटिंग क्राफ्टिंग, लेयरिंग वगैरह जो टॉपिक रखा है जो आपके सिलेबस में करंटली नहीं है वो सारी एक्टिविटीज वो लोग वहाँ परफॉर्म करते हैं तो इसे हाइब्रिड वराइटीज और नए नए वेरायटीज डेवलप करते हैं ओके एंड इवन दे आर ग्रोइंग द प्लांट्स विदाउट यूजिंग द सॉइल ओके लाइक ऑर्किड्स एंड ऑल दे आर ग्रोइंग दट इज ऑल्सो विदाउट यूजिंग सॉइल वट दे आर यूजिंग यू नो दैट कोकोनट हस्क दे आर यूजिंग ओके फॉर ग्रोइंग सच थिंग बिकॉज इट हैज द वॉटर होल्डिंग कैपैसिटी ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आप लोग सीख सकते हो कमिंग टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ दैट इज अबिसनेसिस जिसको हम लोग शू फ्लावर कहते हैं यह हम लोग हमारे भगवान के लिए भी अर्पण करते हैं ठीक है थीके? चलो बढ़ते हैं आगे ये शू फ्लावर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली जो है ये मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका जो अंतर आप लोगों ने देखा होगा मैं दिखा देता हूँ सी द एंथर विच इज ओवर हियर, ओके इसके जो स्टिकमा है स्टिकमा है वो टोटल फाइव कार्पल दिखाते हैं ओके सी लाइक दिस वे स्टार शेप स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव आप लोग अगर ठीक से देख पा रहे हो तो और उसके बाजू में येलो 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 येलो, येलो डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज अ एडल्फस स्टेमन ओके मोनो ये ध्यान रखना वर्ड हम लोग इसको जब नेक्स्ट वाले चैप्टर में जाएंगे ना तब पढ़ेंगे मोनो स्टेमन है ये ओके okay? और मतलब एक एंथर अगर ऐसा है मान लो ये एंथर और उसका फिलामेंट तो ये सारे आ, आप लोग देखोगे ना एंथर खाली ऊपर के साइड में दिख रहा है इसके कोई सेपरेट ऐसे फिलामेंट्स नहीं दिख रहे हैं सो ऑल फिलामेंट फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म्स अ ट्यूब मतलब अगर आप ये यहाँ से बीच में से स्टिग्मा निकाल दोगे मतलब ये जो पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है ना उसको निकाल दोगे ना यू विल एबल टू सी हॉलो ट्यूब इन द सेंटर और इनके एंथर से ऐसे एजेस पे है ओके okay? यहाँ पे एजेस पे एंथर्स है येलो कलर के समझ में आ रही है बात सो so, ये फिलामेंट्स फ्यूज इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके बीच में से स्टिग्मा बाहर आता है अभी समझ आप को? आप कभी भी का फ्लावरिंग ना हाथ में लेके तभी देखना आप लोगों को मालवीसी फैमिली uh, का ओके okay? मोनो uh, चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट वाले पास हाँ यही है स्लाइड अपना एनिमल ब्रीडिंग को लेके बात करते हैं

Okay. See, जैसे कि हनी बी आर द एग्जाम्पल्स क्वीन आर द एग्जाम्पल्स पोल्ट्री इज ओके लाइक वो है दिज एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मैचोरिटी समझ में आ गया बड़ा इजी uh, सा टॉपिक है ये जो आप लोग समझ सकते हो यहाँ से नौ सी इन फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैनल्स ओके रखने वाली बात है हम लोग इसको डिटेल स्टडी करेंगे इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ओके और यह, यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा कंपेरिजन देखने मिलेगा मैं साइकिल एंड इस्ट्रेस साइकिल में ओके सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दट इन फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैनल्स

ओके okay? ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन यू कैन से ओके सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को पता है इट्स अ फोर डे साइकिल ओके हाउ मेनी डे साइकिल इट्स अ फोर डे साइकिल ये कंप्लीटली हार्मोनल बेस्ड है यहाँ पे सारे हार्मोन्स काम करते हैं मैं सीक्वेंस बता देता हूँ जैसे कि आप लोगों के लिए सबसे पहला हार्मोन जो आता है वो है एफ एस एच एफ एस एच आता है

एंड एक और हार्मोन चाहिए होता है जिसको कहते है जो की की एंडोमेट्रियम लेयर को रखते हैं हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं ओके इस्ट्रोजन एंड पजेस्ट्रॉन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम लेरस नॉट नॉट ओनली दैट वी हैव मेनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट ओके दीज हार्मोन्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे जाएंगे ओके? Okay? अभी अभी पॉइंट फील होगा मैं बता दूंगा आप okay? see, पे चलता छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं ओके सी, सपोज दिस इज अरस और ये फेलोपियन ट्यूब है ओके okay? आगे जाके ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है यहां से ओवरी प्रेजेंट होती है इसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिय है, यहाँ पे रहेगा एम्प्यूला यहाँ पे रहेगा इस्थमस ओके ऐसे करके पार्ट्स है फेलोपेन ट्यूब्स के सो अंडरस्टैंड नाउ वेरी क्लियरली यहां से ये ओवरी जो है ये ओवम को रिलीज करती है ऑन द फोर्टींथ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओके Cycle. ये ये जो है कैच कर लेगा ऐसे मान लो ये विकेट कीपर है ओके okay? विकेट कीपर जैसे एक्ट करता है इसके ग्लोव में ये बॉल चले गए हैं नाउ दैट एग विल बी रीचिंग टू द यू कैन से सेम्प्यूला एम्प्यूला क्या है इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन

मैंने इनर मोस्ट लेयर बनाई है जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम ओके okay? ये एंडोमेट्रियम जो है ना इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी मान लो इसकी थिकनेस होती है फोर एम एम से लेके सिक्स एम एम आर यू लिसनिंग वेरी क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं yes, sir. हाँ यस yes, एंडोमेट्रियम yes, yes. की जो लेयर होती है ये फोर एम एम से लेके सिक्स एम एम थक होती है अगर ये इतनी मोटी लेयर दिख रही है दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड कर लिया है यूटेरस ने खुद को क्यों क्योंकि ये जो जायगोट है जो कि यहाँ पे आएगा इसको इम्प्लांट करना होगा इम्प्लांटेशन करना होगा मतलब प्लेसेंटा वगैरह फॉर्मेशन होगा और यहीं पे बेबी फॉर्म्ड हो जाएगा ओके okay? मतलब ये लेयर क्या करती है न्यूट्रिय प्रोवाइड करने का काम करती है ओके okay? तो ये ध्यान रखना है लेकिन मान लो ये आ, अभी मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं ओके मान लो मैंने ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया है मान लो ये एग है ये क्या है एग कौन सा एग है ये अनफर्टिलाइज अनफर्टिलाइज तो अनफर्टिलाइज चीजों का इम्प्लांटेशन नहीं होता है कि नहीं हम लोग ऐसा तो नहीं कह सकते ना जो हनी बीज में पढ़ने मिलता है सेक्सुअली मतलब

जो फीमेल्स मतलब फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्वीन हो सकती है या फिर वो वर्कर भी हो सकती है

वो जो अनफर्टिलाइज ओवम जो है वो भी बाहर आ जाता है अंडरस्टूड तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेनस्ट्रम ओके इसको क्या कहते हैं मेनस्ट्रम मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं अनफर्टिलाइज एग ब्लड इज देयर एंड द डेड सेल्स ऑफ द इज देयर जिसको हम लोग डेब्रीज कहते हैं समझ में आ गए इतनी ये सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आप लोगों को मैंने यहां पे हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात नहीं की है अंडरस्टूड ओके okay?

ध्यान रखना इन प्राइमेट्स की बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल में चार फेजेस होते हैं जिनमें से पहला फेज जो है मैंने आप लोगों को बताया जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज वो यहां पे नहीं होगा मतलब क्या जो भी रप्चर होगा यूटेरस के अंदर वो सारी बातें रीएब्जॉर्ब कर ली जाएगी बॉडी में अंडरस्टूड इसको बाहर पास नहीं किया जाता सो नो ब्लीडिंग फेज सीन ओवर योर सी इट इज नॉट पास आउट बट इट इज रीएब्जॉर्ब ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं

आपका जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म हो चुका है सी ये, ये ये जो पॉइंट है ना हमारे यहाँ तक खत्म हो गया ये जस्ट एडिशनल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ओके okay? अदरवाइज इतने जो पॉइंट ऊपर है ना ये काफी है आप लोगों को इस पर्टिकुलर पार्ट part से क्वेश्चन पूछने के लिए दिखाता हूँ कुछ यहाँ पे मैंने एक सिंपल uh, सा चार्ट रखा हुआ है जिससे चीजें और इजिली समझ में आ जाएगी तो दोनों को कंपेयर करेंगे मेन्स्टोर साइकिल एंड साइकिल को जैसे फीमेल्स डू नॉट शो

पॉइंट देखो ये एक्चुअली थर्ड पॉइंट है पॉइंट नंबर थ्री देयर इज अ हीट पीरियड नो हीट पीरियड मतलब हीट पीरियड नहीं है यहां पे यहाँ आपको हीट प्रोडक्शन देखने मिलेगा ओके सी नो हीट पीरियड एंड कॉपुलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुका है ब्लीडिंग फेज हो चुका है ओके okay, उसके बाद देयर आर रिमेनिंग थ्री साइकल्स तो तीन जो फेजेस हैं ओके देयर आर थ्री फेजेस इन देयर साइकिल इज लेफ्ट तो कोई भी फेजेस फेजिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी है जिसको हम लोग कहते हैं कॉप्युलेशन दैट कैन प्लेस इट ओके लेकिन यहाँ पे उनको उसी समय में करना होगा सी इज प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड कॉप्युलेशन ऑकर्स ओनली इन दैट पीरियड बाकी कोई पीरियड में नहीं होगा ओके ना ऑकर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द प्राइमेट मैमल्स ऑकर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द नॉन प्राइमेट मैमल्स ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली है

बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ध्यान देना ठीक तरीके से और सारे जो टर्म्स है ना उसको कैच कर लेना क्योंकि अगर आप लोगों ने प्लांट किंगडम सही से पढ़ा है ना सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोगों को यहाँ के टर्म समझ में आ जाएंगे ऐसा नहीं कि इससे नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने बनाया पीपीटी इस तरीके से कि आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा फिर भी ध्यान देना अगर एनिमल प्लांट किंगडम पढ़ा है तो और अच्छी तरीके से पता चल जाएगा जैसे कि देखो सबसे पहला टर्म आ रहा है होमोथैलिक ओके okay, यानी बायसेक्सुअल कंडीशन यानी जैसे फ्लावर होता है ना बायसेक्सुअल फ्लावर एंथरेन दैट एंड्रोशियम एंड द गायनेशियम मतलब पिस्टिल कार्पल जिसको हम लोग कहते हैं एंड प्लस एंथर स्टिग्मा एंड ऑल ओके ये दोनों साथ में रहना एक ही फ्लावर पे बायसेक्सुअल कंडीशन वैसे होमोथैलिक ओके okay, थैलस सेम ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड गैमेट्स बिलोंग्स टू द सेम पेरेंट एज वेल ओके सो म्यूकोर

हेट्रोथेलिक समझ में आ गया हेट्रोवर्ड आ गया मतलब यूनिसेक्शुअल कंडीशन आएगी दोनों सेपरेट रहेंगे क्लियर है यहां तक बातें ओके वेन द गैमेट्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट पेरेंट यहाँ पे देखो ये एक पेरेंट है यहाँ पे दूसरा पेरेंट है ओके okay?

Yes, यहाँ yes, पे डायग्राम देख लो यहाँ पे राइजोइड्स देखने मिल रहे हैं ये हाइफा है मल्टी मल्टीन्यूक्लियर है क्योंकि उसके अंदर बीच में ऐसे सेप्टा फॉर्मेशन नहीं है लोअर फंजाई है समझ में आ गया ठीक है फाइकोमाइसिटीज कह सकते हो आप लोग यहाँ पे एंड देन हाइफे के ऊपर ही स्पोरजियो फोर ये जो स्टॉक है उसको फोर कहते हैं स्पोरनजियो फोर ये स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप्ड होते हैं ओके यहाँ पे देख सकते हो ये स्पोर्स रिलीज भी हो रहे हैं ओके okay, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म ही टॉपिक चल रहा है अभी तक इन हायर ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑर्गन्स डेवलप डिफरेंशिएट इनटू द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स ओके यू नो दिस थिंग ये फ्लावर के बारे में बात चल रही है ध्यान से देखना इसको समझना काफी इजी है ओके हाउ मच टाइम वी हैव 5 मिनट्स है देखो ये हर्माफ्लोराइड फ्लावर है मतलब क्या बायसेक्सुअल कंडीशन है देखो ना लेकिन दोनों के दोनों सेम प्लांट को बिलोंग कर रहे हैं देखो समझ में आ रही है बात ओके okay? बायसेक्शुअल है ओके okay? दूसरे यहाँ पे देखो एक ही प्लांट है मोनोशियस प्लांट है लेकिन देखो मेल फ्लावर डिफरेंट है फीमेल फ्लावर डिफरेंट है समझ में आ रहा है ओके okay? प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दो अलग बना दिए मतलब मेल को भी सेपरेटली ग्रो करवा दिया फीमेल को भी सेपरेटली ग्रो करवा दिया अब डायोशियस प्लांट है मेल अलग से ही एक प्लांट है पपैया ले लो एग्जाम्पल और यहाँ पे देख लो फीमेल सॉरी ये पहली वाली फीमेल है पिंक कलर दिया है फीमेल को और ये दूसरा वाला मेल है ब्लू कलर में मेल अलग से अपना एक प्लांट है समझ में ये बहुत इजी डायग्राम रखा है बी फास्ट यस यस ओके सर अभी आगे लेके जा रहा हूं आप लोगों को देख लो पपया दिख रहा है मेल फ्लावर देखो बीच में एंथर्स दिख रहे हैं और फीमेल फ्लावर देखो यहाँ पे सूजा हुआ ओवरी दिख रहा है और ऊपर स्टिग्मा समझ में आ रहा है अगर ये सोलन ऐसे कुछ बना के दिखाओ तो यहाँ पे आप लोगों को स्टिग्मा देखने मिल रहा है ऐसे लगता है फ्रूट है देखने पे समझ में आ रहा है ये बात ओके okay? तो देखो यहाँ पे हर्माफ्रोराइड और बायसेक्शुअल प्लांट्स को लेके पहला बात करते हैं हर्मा यानी बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट बोथ मेल एंड द फीमेल ओके दैट इज इजन एंड कार्पल ऑकर इन द सेम फ्लावर स्वीट पोटैटो ले लो एग्जाम्पल ओके okay? ये रहा आपके एनसीईआरटी का डायग्राम स्वीट पोटैटो का समझ में आ गया स्वीट पोटैटो पोटेटो फ्लावर सर क्या ये डायग्राम हमको करना है बिल्कुल को लेके बात करते है, तो मेल फ्लावर जिसको हम लोग स्टेमिनेट कहते हैं okay? इसलिए स्टेमिनेट फ्लावर ओके एंड फीमेल फ्लावर पिस्टिल होता है मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इसको एक साथ पिस्टिल कहा जाता है ओके कार्पल कहा जाता है ध्यान रखना ओके okay, तो पिस्टिलेट फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स प्लांट्स का यहाँ पे फीमेल का फ्लावर मैं यस बेटा और मोनोशियस सेम है बायसेक् और मोनोश्यल ये बिल्कुल से एक प्लांट मोनिशियस मतलब एक प्लांट ओके okay. ध्यान रखना और डायशेस यानी टू डिफरेंट उल्टा बोल दिया क्या यस yes, सर उल्टा बोल दिया ना मोनोशियस ना रुक जा एक सेकेंड लेके चलते तुमको व्हाइट स्क्रीन पे सर सेम प्लांट पे हो उसको मोनोशियस है मोनोशियस मतलब एक में दो एक में दो और डायोशियस मतलब एक 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 एंड एक अभी समझा मतलब यहाँ पे फीमेल यहाँ पे बायोक्शु फ्लावर और यहाँ पे फ्लावर अभी एकदम क्लियर है है ठीक चलो से. बहुत आगे बढ़ते हैं अभी इसको चलो टू मिनट्स है मोनिशियस प्लांट ले तेरा काम हो गया काम when both male and the female flower present on the same plant okay now see maize coconut cocoa beans note lower plant are monoecious and dioecious ye ho sakta hai okay lower plants ki category aa chuki hai ye ek alag se hi point de ke rakha hai yahan pe ये पहचान सकते हो Maize है आपके स्क्रीन पे लेकिन ये fruiting है flowering का मेरे को फोटो नहीं मिला separately. ये फ्रूटिंग है ओके मैं यहाँ पे आप लोगों को कोकोनट के बारे में दिखा देता हूँ देख लो यहाँ पे ऐसा तरीके का आप लोगों ने इंफ्लोरसेंस देखा होगा देखा है ऐसा इन्फ्लोरसेंस मार्केट में बिकने बिकने भी आ जाता है ओके yes, ये जो छोटे छोटे है ना ये मेल yes. फ्लावर्स है और ये जो स्वेलिंग दिखा रहे हैं ना ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं और आई थिंक एक और फोटो है अपने पास ये ये कुकुर फैमिली है ओके जिसमें आप लोग ये तुम्हारा ककड़ी आ जाता है फिर पंकिन आ जाता है ऐसे स्वेलिंग वाले रहते हैं ना पेपो वगैरह ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं तो ये रहा फीमेल फ्लावर ऊपर ओके और ये रहा मेल फ्लावर इसमें खाली एंथर्स देखने मिलते हैं यहाँ पे स्वेलिंग है नीचे मतलब ओवरी मतलब ओवरी वगैरह फॉर्मेशन वहीं पे होगा ओके एंड ऑल उसी में नाउ वी हैव ओनली लेस देन वन मिनट आई थिंक लेट्स देख लो क्या है आगे डिसाइड करते हैं ओके कैरा ध्यान रखना कैरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक ही पे दो आ रहा है देखो यहाँ पे ये उगोनियम है नीचे एंथ्रीडियम है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्यूल ऊपर वाले को और नीचे वाले को कहते हैं ग्लोब्यूल ध्यान रखना न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल यानी एंथ्रीडियम न्यूक्यूल यानी उगोनियम यहीं पे रुक रहा हूं बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे टिल डेट एनी डाउट एनी वन ऑफ यू नो no, सर चालू कर देना रिकॉर्डिंग ऑफ टूडेज लेक्चर हाँ हाँ अपलोड हो जाएगी यू कैन सी ऑन यूट्यूब ओके ओके सर या बाय टेक केयर